हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सनोवर्स किचन। तो आप देख सकते हो आज वेदर बहुत ही प्यारा सा था, हवा भी बहुत ठंड चल रही है, बारिश भी हो रही थी। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में बस ऑमलेट बनाया, ऑमलेट नहीं फ्राइड एग बनाया, और सोचा कि दाल गोश बनाया जाए। तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट मैंने ये लिए थे कि मैंने बे लीफ धो लिया था, ग्रीन कार्डमम लिया था, क्लोव्स लिया था, सिनेमन स्टिक लिया था, ज़ीरा लिया था। तो ये सारा ही हम जैसे ही हमारा मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल दिया था, थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगेगा ना दाल गोश में। तो ये सारे गर्म मसाले जैसे पूरे क्रैकर हो जाए ना, तो हमने एक बड़ा अनियन लिया था, उसको स्लाइस कर लिया था। अनियन जो है जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे ना, तो आपको उसके अंदर ऐड करना है अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बिग टेबल स्पून। आपके घर का यूज़ कर सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ग्रीन मैंने ग्रीन चिलीज ले ली थी, 4 ले ली थी, और एक बड़ा टमाटर लिया था है, पुदीना मेरे गार्डन का बहुत ही फ्रेश और इतनी अच्छी खुशबू वाला मुझे मेरे पास है ना। तो अगर आप भी चाहो तो प्लीज़ पुदीना बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो उसमें से यूज़ कर लें। पुदीना हैंडफुल डाल दिया था, कोरिएंडर हैंडफुल डाल दी थी, फिर मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया था 1/2 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर, हमारा धनिया पाउडर वो 2 टी स्पून डाला था मैंने, और हल्दी डाल दी थी, और नमक अपने चीज़ के हिसाब से डाल दिया था। और इसको अच्छे से भूनें, जितना आप मसाला भूनोगे जैसे आपका ऑयल सेपरेट होता है, समझ जाना कि आपका जो मसाला एकदम से भून गया है। अब जो है ना, मैंने अपना गोट का पीसेस, जैसे कि हमारे उधर मार्केट थोड़ी दूर है तो हम थोड़ा स्टॉक करके रख देते फ्रीज़र में ना, तो मुझे एटलीस्ट जैसे अगर इंडिया में थी मैं, वहाँ मैंने बनाया था तो मटन मेरा बहुत जल्दी गल जाता था, मतलब 3-4 विसल में हो जाता था, पर यहाँ मुझे कम से कम 10 विसल लेने पड़े थे। फिर वो मैंने ऐड कर दिया था, फिर दूधी मेरी पीसेस किए हुए थे उसको मैंने अच्छे से उसको पका लिया था, और ये मैंने माश की अपनी जो है तूर दाल और चने की दाल उसको भी बॉइल कर लिया था। अब जैसे ही सारी चीज़ें पक जाए ना, इसका बेस्ट पार्ट है तड़का। तड़का जो है ना, हमने अपना रेड अनियन जो होता है ना वो मैंने अच्छे से ब्राउन किया था, और उसमें 1/2 टीस्पून मैंने अपनी रेड चिली डाल के उसको मज़ेदार तड़का डाल दिया। तो ये मज़ेदार हमारा दाल चाय या दाल को आप जो चाहे से नाम दे सकते हो, रेडी है। साथ में मैंने इसमें बघारा हुआ अपना चावल बनाया था। तो इस तरीके से अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।